ये 4 बज चुके हैं, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ। उन्माद रोग पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्नों का कुछ उत्तर देना भी अपेक्षित है। संध्या पांडे जी ने पूछा है, जलोदर का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होगा? जानते हैं आप, 8 प्रकार का ये रोग होता है। जलोदर में जल की मात्रा उदर में स्थित हो जाती है, इसलिए इसको जलोदर नाम से दिया गया है। यहाँ अपधातु की वृद्धि होती है, इसलिए अपधातु की चिकित्सा करना है। जलीय नाशक चिकित्सा जैसे विभिन्न प्रकार के मूत्र क्षारों के साथ त्रिफला, आस्वारिष्ट, रूक्ष आहार विहार, दीपन पाचन, ऐसी औषधियाँ इसमें शुरू में देना है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपाम दोष अरण्यादो प्रद्याद उदको उदरई है, मूत्र युक्तानी तीक्षणानी विविध क्षारवंती छ दीपनीय है कफग्न ही से तम हारी उपाचरेत द्रव्यभ चावत का जभ्यो नीय। इसके अलावा रसों में जलोदरारी रस 125 मिलीग्राम, शोथारी लोह 250 मिलीग्राम, यकृत प्लीहारी लोह 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 मात्राएं इसको इसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा मूत्रल योग जैसे कोक्षरादि गुल है, पुनर्नवाष्टक ग्वात है और पुनर्नवा अर्क, हमेशा पुनर्नवा अर्क पर ही पेशेंट को रखना चाहिए। जलोदर के पेशेंट में पानी कम देवें, दुग्ध का सेवन ज़्यादा कराएं। एक योग किसी संत ने मुझे बताया था, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अजवाइन आप 100 ग्राम ले लीजिए और इसमें बकरे कि वो पूरा डूब जाए, अजवाइन पूरी डूब जाए, इसको रात भर रखा रहने दीजिए, ये फूल जाएगी और फिर इसको सुखा लीजिए और इसका बारीक चूर्ण कर लीजिए। अब देखिए, दीपन पाचन क्षार मूत्रल सभी इसमें गुण आ गए। इसकी आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दिन में 2 या 3 बार जैसी आवश्यकता हो वैसा पेशेंट को सेवन कराएं, इससे निश्चित रूप से आराम होगा। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी भी देते रहें, 2 गोली सुबह शाम, लीवर का प्रोटेक्शन भी होता रहे, आपको ये ध्यान देना है। जैसा आप जानते हो, 2-7 मातृपचार स्रोतो मुग्म सोना शाखान मुक्त अम्ला कोष्ठम यान्ति वायुश निग्रहात, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2-7 मातृपचार नित्यमेव विरेचित, नित्यमेव विरेचन भी इस रोगी में कराना है। क्षितिजा चौधरी जी ने कहा है, पूछा है फूड एलर्जी के बारे में। फूड एलर्जी एक्चुअली सड़ा गला अन्न खाने से, जिसमें पैरासाइट्स हों, बहुत बासी हो, ऐसा विरोधी आहार विहार खाने से कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें मुख्य लक्षण वमन और अतिसार, ये 2 मुख्य लक्षण हैं। उसके अलावा उदर में क्रैम्प्स होते हैं और पेशेंट बड़ा कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, फटीक जैसे लक्षण रोगी पर प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में सबसे पहले लंघन सबसे बड़ी चिकित्सा है, लंघन कराइए। लंघन का तात्पर्य यह नहीं कि पूरा कोई खाना मत दे, आप यूज़ पे रखिए उसको, खिचड़ी पे रखिए, और साथ साथ में इसमें अदरक का बड़ा अच्छा रोल है। अदरक की चटनी दिन में 2-3 बार खिलाइए भोजन के पूर्व, ये बड़ा लाभप्रद है। इसके अलावा पुनः पुनः नींबू पानी इसका सेवन करें और फिर लाक्षणिक चिकित्सा जो उस समय हो वो चिकित्सा आपको करना है। कभी कभी पानी इतना निकल जाता है शरीर से कि आपको नॉर्मल सलाइन भी लगाया जाना पड़ सकता है। उसकी जगह आप बार बार सडंग पानी का सेवन कराएं। सडंग पानी मुस्त परपट को सिर चन्नो जी चनागरी है, श्रत सीतम जलब दंत्यात पिपाशा ज्वर शांति है, या नारियल का पानी पिलाएं, उससे होगा और लाक्षणिक ट्रीटमेंट भी करें। माधव मिश्रा जी ने इंग्वाइनल हर्निया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, तो आप सब जानते हो ये सर्जिकल केस है। शुरुआत जब हो रही होती है उस समय यदि दीपन पाचन और हल्का अनुलोमन औषधि देते रहें तो ये आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जब इंग्वाइनल हर्निया हो ही जाए तो इसका ऑपरेशन कराना ही उचित रहता है। प्रदीप मानवी जी ने फिशुला का ट्रीटमेंट पूछा है। फिशुला ये भी बहुत भयंकर कठिन साध्य व्याधि है,
जिसको हम भगंदर भी कहते हैं, ये कभी कभी स्राव युक्त होता है, कभी कभी रक्त भी इसमें निकलता है। इसमें लगभग वही चिकित्सा करते हैं जो अर्श रोग में करते हैं। इसमें अर्श कुठार रस, प्रवाल पिष्टि रस, बोलबद्ध रस, अर्श कुठार 250, बोलबद्ध रस 250, और इसमें थोड़ा से प्रवाल पिष्टि और मिला दीजिए 250। ऐसे दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ इसको देना है। इसमें एक मैं योग आपको अनुभूति योग बता रहा हूँ। बबूल के पत्ते, आप बबूल के पत्ते तोड़ लीजिए, सुखा लीजिए, लगभग 100 ग्राम, और 100 ग्राम स्याह जीरा 100 ग्राम, इनको लेकर घी में हल्का से भूंज लीजिए। उसी प्रकार जो पत्ते आपने सुखाए हैं बबूल के, उनको भी भूंज लीजिए, और फिर दोनों को मिक्सर में डाल के बारीक एकदम कपड़छन चूर तैयार कर लीजिए। इसमें लगभग स्वाद के अनुसार काला नमक मिला लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम स्याह जीरा लिया, 100 ग्राम आपने पत्ते लिए, तो लगभग 20 ग्राम आप काला नमक मिला लीजिए, और इस योग को कांच की शीशे में बंद करके रखें। एक एक चम्मच दिन में 2 बार भोजन के पूर्व दोनों टाइम 3 माह तक ये प्रयोग कराएं, तो इसमें भगंदर में बहुत ही आशातीत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा अभ्यारिष्ट है, 2 चम्मच दवाई, 2 चम्मच पानी भोजन के बाद। इसके अलावा दीपन पाचन अष्टांग लवण, जो दीपन पाचन औषधियाँ हैं, क्योंकि 3 रोग ऐसे होते हैं, अर्श, अतिसार, त्रयः विकारा प्राण ही परस्पर हितवा, अर्षांश चादिसारस्य ग्रहणी दोषे हो जाए, एसाम अग्नि बलम हीन, ऐसे अवस्था में अग्नि का बल हीन हो जाता है, तो अग्निवर्धक चिकित्सा भी आप इसमें करते रहें। सुमित यादव जी ने पिंड को द्वेष्टन, कभी कभी पिंडियों में अचानक वेदना हो जाती है, बहुत तीव्र वेदना होती है, ये स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द मसल्स जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वेदना होती है। कभी कभी अत्यधिक परिश्रम करने से, अत्यधिक चढ़ने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से ये हो जाता है, या कभी करवट लेटते वक्त भी इस प्रकार का स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है और बहुत भयंकर वेदना होती है, तो इसमें सबसे अच्छी चिकित्सा है 10 मूल तेल से अभ्यंग करिए। अभ्यंग करने के बाद हल्का नाड़ी श्वेद कराइए रोजाना प्रतिदिन, और अगर ये आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये हमेशा ये शिकायत बनी रहती है। इसके अलावा इसमें मालिश करने के बाद पत्रपिंड श्वेद बहुत ही उपयोगी इसमें चिकित्सा है। और बाकी महायोगराज गुल, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को ये दीजिए। 10 मूल अरिष्ट 2 चम्मच, 10 मूल अरिष्ट 2 चम्मच पानी भोजन के बाद इसको सेवन कराएं, लेकिन अभ्यंग और स्वेदन इसकी विशेष चिकित्सा है। योगेश मिश्रा जी ने भल्लातक का इंद्रलुप्त में क्या लाभ होता है, तो रक्षा भी मैं, मेरा कोई अनुभव नहीं है इसका, इसलिए मैं इसमें नहीं बता सकता। अरुणा वर्मा जी ने पूछा है, वात रोग में दर्द और दाह, ये 2 लक्षण मुख्य रूप से मिलते हैं। बिल्कुल सही है, जब पित्तानुबंधी वात होता है तो दाहयुक्त वेदना मिलती है, लेकिन जैसे डायबिटिक न्यूराइटिस में दाह और वेदना दोनों पैरों में होती है, तो वो जो दाह है वो आस्यापकर्षजन्य दाह है, तो वहाँ पित्त की चिकित्सा न करके वायु की चिकित्सा करना चाहिए। तो ये देख करके कि दाह कहाँ पर है और वेदना किस प्रकार की है, वैसे ट्रीटमेंट आपको करना है। लेकिन निश्चित रूप से वातज जितनी भी व्याधियाँ हैं उनकी चिकित्सा अभ्यंग, पत्रपिंड श्वेद ये विशेष रूप से है। इसके अलावा जो रोग हुआ है वैसा लक्षण प्राप्त होंगे, उस लक्षण अनुसार भी आपको ट्रीटमेंट देना है। नीरज कश्यप ने फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। फंगल इन्फेक्शन में निम्ब क्वाथ से बार बार प्रक्षालन करिए, दिन में 2-3 बार, और एक मैंने शायद योग बताया था इसमें, इसी गीले निम्ब पत्र का धुआं कलेक्ट कर लीजिए। इसका तरीका यह है कि एक चूल्हे में आप गीली जो पत्र हैं इसके निम्ब के, उसको जलाइए किसी लकड़ी के माध्यम से, ऊपर एक पीतल की थाली रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। अब जब धुआं निकलेगा तो पीतल के जो थाली है उसके पेंदे में वो जम जाता है, उसको निकाल लीजिए, और इसको एक शीशी में, आप चौड़ी मुँह वाली शीशी में रख लीजिए, इसको दिन में 2 बार लगाइए, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। इसके अलावा पंचनिम्ब बटी
दो गोली सुबह शाम को, आरोग्यवर्धनी दो गोली सुबह शाम को, और टेक्जिमा ऑइंटमेंट ये दिन में दो तीन बार लगाएं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये ध्यान रहे कि सरफेस जो है पानी से ज़्यादा, पानी नहीं ज़्यादा होना चाहिए, गीलापन से आपको बचाना है। सुमित जादव ने व्यंग का ट्रीटमेंट पूछा है। व्यंग ये स्किन में जैसे तिल होते हैं वैसे ये लक्षण आपको प्राप्त होते हैं, और ये इसकी चिकित्सा मुख्य रूप से नस्य कर्म है, संसमन नस्यम, संसमन नस्य इसमें करना चाहिए। संसमन नस्य में जैसे अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, वचा तेल का प्रयोग कर सकते हैं नस्य के रूप में, या इंद्रिय वर्धक तेल का नस्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दिन में तीन बार शहद के साथ देवे। साथ ही साथ कैशोर गुगुल का भी इसमें अच्छा रोल है, कैशोर गुगुल दो गोली सुबह दो गोली शाम को, पंचनिम्बादी चूर्ण 5 ग्राम सुबह शाम को, ये भी आपको पेशेंट को देना है, और विरोधी अन्न आहार विहार यदि वो सेवन कर रहे हों तो उसका भी त्याग आपको कराना है। विनोद गुप्ता जी ने उपयोगी बुक्स के बारे में पूछा है, तो बृहत्त्रयी चरक सुश्रुत भागवत तो होना ही चाहिए, लेकिन चक्रदत्त चिकित्सा के लिए बड़ी श्रेष्ठ है, चक्रदत्त आप जरूर अपने पास रखिए। इसके अलावा भाव प्रकाश भी चिकित्सा के दृष्टि अच्छा ग्रंथ है, और चरक तो है ही, चरक का मैं तो चरक का अनुयायी हूँ, चरक संहिता भी अपने पास रखिए। पंचकर्म का ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विभिन्न रोगों का, तो मेरी किताब आप खरीद सकते हैं, डॉक्टर विनोद बैरागी हैं, वो फ़ोन नंबर मैंने कई बार दिया है, आप उनको फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमार परिहार जी ने चेस्ट केलोइड्स के बारे में पूछा, चेस्ट केलोइड्स ये छाती में बीचों बीच ये हो जाता है, और कई बार खुजली भी होती है, कई बार स्राव होने लगता है, कभी पूय भी निकलने लगता है, इसमें आप दशांग लेप लगाइए, दशांग लेप करीब 20 ग्राम और 2 चम्मच शुद्ध घी और दूध में पका करके असल लेप तैयार करें, और इसके दिन में दो बार लगाएं, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा आराम हो जाता है, पूय जो निकलता है वो ठीक हो जाता है। फिर लॉन्ग टर्म में कैशोर गुगुल पंचनिम्बादी बटी दो दो गोली दिन में दो बार, और ताल के स्वरस 60 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में दो बार ये मात्रा खिलाइए, निश्चित रूप से ठीक होगा। महामंजिष्ठादिक्वात 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी भोजन के बाद, पंचनिम्ब बटी जैसा मैंने बताया इसका भी आप यहाँ पर सेवन कराएं, लेकिन कम से कम 3 महीना आप दवाई देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रानी दुग्गल जी ने स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में जानना चाहा है। स्ट्रेस एंजाइटी किसी न किसी मानसिक कारण से उत्पन्न होता है, पहले तो उस कारण को दूर करने का प्रयास करें, साथ ही मन की एकाग्रता डेवलप करने की कोशिश करें, प्राणायाम और मेडिटेशन इसका सेवन करें, और एक मेध रसायन क्वाथ का उल्लेख मैं हमेशा करता हूँ, चरक का है ये, इसमें शंख पुष्पी मंडूक पर्णी गिलोय और मुलहठी इनको बराबर बराबर मात्रा में योगकूट कर लीजिए, 4 चम्मच दवाई लीजिए, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं, ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम दें, इससे बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा एक और क्वाथ आपको बताना चाहूँगा, उसमें जटामानसी अश्वगंधा और खुरासानी अजवाइन, जटामानसी अश्वगंधा खुरासानी अजवाइन इनका भी आप योगकूट कर लें और इसका भी काढ़ा आप प्रयोग करें। इसके अलावा शिरा तर्पण चाहे पिचुधारण से करें, पिचुधारण सबसे बढ़िया है, नहीं तो शिरोधारा भी यदि आप कहीं करा पाएँ तो करा लें, और साथ ही साथ पेट आपका साफ रहे ये ध्यान रहे, तो हमेशा हर दूसरे दिन अमलतास गूदा 20 ग्राम लेके 4 कप पानी 1 कप बचे तब तक पका लें, ऐसा रात्रि को भोजन के 2 घंटे बाद रात्रि में हर दूसरे दिन इस काढ़े का सेवन करें, इससे पित्त बाहर निकलेगा, वायु का गमन अपने आप होगा और वायु ऊर्ध्वगमित नहीं होगी और डिप्रेशन एंजाइटी भी आपको कम हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा अगर एंजाइटी है तो वात कुलांतक रस 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ इसको
आप ले सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी वटी भी, ब्राह्मी वटी दो सुबह शाम को, ब्राह्मी रसायन ये भी बहुत बढ़िया योग है, एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। कौशिक पंचाल ने पूछा है इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ ये, इसको कॉरोनरी हार्ट डिसीज़ भी कहते हैं, जब कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, प्लग जमा हो जाता है, तब ब्लड की सप्लाई हार्ट में कम हो जाती है, इसी को इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। तो ये प्लग एक्चुअली होता है कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आप जितने भी कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट इसमें करना है, यानी मेदोहर ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे करना है। और जो मैं देता हूँ उसमें नागार्जुनाभ रस, हृदयाणव रस और बृहद्वाद चिंतामणि। बृहद्वाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, हृदयाणव रस 125 मिलीग्राम और नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3 बार मात्राएँ इसको दीजिए। साथ ही लहसुन अदरक इनका रस, दोनों का रस निकाल लीजिए, लहसुन का रस, अदरक का रस और नींबू का रस और जो एप्पल होता है उसका सिरका, एप्पल का सिरका, ये 4 चीज़ें हैं, इनका 100-100 ग्राम आप रस निकाल लीजिए, मान लीजिए 400 ग्राम हुआ, इनको पकाइए और जब ये 200 ग्राम बचे तब तक पकाएं और इसमें फिर 200 ग्राम शहद मिला करके आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसकी एक चम्मच सुबह शाम को लेने से जो प्लग है वो बिल्कुल हट जाता है। कई बार आप प्लग निकलाते हैं और बाद में फिर बन जाता है, लेकिन ये औषधियाँ आप लेंगे, मैंने कई रोगियों को ये औषधि दी है, इससे बड़ा ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। पूनम कैली रमन ने SLE के बारे में चिकित्सा जाननी चाहिए। SLE बहुत व्यापक ये रोग है, इसको सिस्टमिक ल्यूपस इरिडोमेटस ये कहा जाता है और ये इम्यून सिस्टम की व्याधि है। इम्यून सिस्टम जो शरीर का है वो विकृत हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तब ये रोग होता है। और इस रोग में इन्फ्लेमेशन होता है, अब इन्फ्लेमेशन कई जगह हो सकता है, त्वचा के अंदर हो सकता है, जॉइंट्स में हो सकता है, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में और जॉइंट्स में, ये इस प्रकार की व्याधि इसमें उत्पन्न हो सकती है। ब्लड सेल्स में भी तकलीफ आ सकती है, तो ये लक्षणों के आधार पर चिकित्सा आपका संयोजन करें और ऐसी औषधि दें जो कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर हो, इम्यून सिस्टम को डेवलप करे, ऐसी मेडिसिन इसमें देना चाहिए। अब कहाँ इफेक्टेड है SLE, किडनी में है तो किडनी की दवाई देनी पड़ेगी, ब्रेन में है तो ब्रेन से संबंधित दवाई देनी पड़ेगी, तो रोगानुसार औषधियों को चयन करके लक्षणानुसार इसकी चिकित्सा करना चाहिए, लेकिन व्याधि क्षमत्व बढ़ाते हुए, क्योंकि ये मुख्य व्याधि व्याधि क्षमत्व के विपरीत हो जाना है। इन्होंने, पूनम जी ने, वेरिकोस वेन्स के बारे में जानना चाहा है ट्रीटमेंट। तो वेरिकोस वेन्स का मान्य ट्रीटमेंट विरेचन कर्म है, आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दीजिए, विरेचन कराने के बाद रक्त मोक्षण, जलऊ का उच्चारण हर तीसरे दिन करीब 5-6 सिटिंग दीजिए, आप देखेंगे 1 माह के अंतर्गत ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये होता लगातार खड़े रहने से, ज़्यादा खड़े रहते हैं और मेदस्वी व्यक्ति हैं, खासतौर से लेडीज़, उनको ही ज़्यादा होता है, तो थोड़ा उनको आपको एडवाइस करना पड़ेगा कि किचन में बैठ करके किचन में काम करें, खड़े होकर ना करें, इतना आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कैशोर गुगुल, पंचनिम बटी, मंजिष्ठादि क्वाथ, इसका भी सेवन साथ में कराएं। रुचि साहू ने फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में पूछा। फाइब्रोमाइल्जिया ये एक प्रकार का रिमेटिक कंडीशन है, लेकिन इसमें विशेषता ये है कि ये संधियों में प्रभावित नहीं होता, संधियों को तकलीफ नहीं देता, ये जो है जो सॉफ्ट टिश्यू हैं शरीर के, मस्कुलर या मस्कुलो स्केलेटन, इन भागों में ये प्रभावित करता है। और चूँकि इन्फ्लेमेशन है तो इसमें पेन है, स्टिफनेस है, कभी कभी बुखार भी इसमें आ सकता है और ये एक तरीके से जो आमवाद के लक्षण हैं, हालांकि आमवाद में संधियों में वेदना होती है, इसमें संधियों में नहीं होती है, लेकिन चिकित्सा क्रम लगभग आमवाद का ही करना चाहिए।
अधिकतर पंचकोल क्षार बस्ती, ये बहुत ही उपयोगी बस्ती है। वैतरणी बस्ती, ये दो बस्तियां हैं जिनका आप प्रयोग इस रोग में कर सकते हैं। इसके अलावा बृहद्वाह चिंतामणि, आमवा तारी रस और अग्निकुमार रस, इनका भी विधिवत आप प्रयोग करें। सिंहनाद गुगुलू, चित्रकारी बटी, इन सब का प्रयोग फाइब्रोमाइलिया में आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका बड़ा भारी सहयोग है, डॉक्टर पार्वती जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी, उत्कर्ष वर्मा जी, सुनीता राणा, कौशिक जी, भुवनेश जी, अशोक जी, सुनील जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, अभी आज ही उनसे बातचीत हुई है, वो अनवर के में रहते हैं, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद से रिटायर हुए हैं अभी 10-15 दिन पहले, पंकज जी, महेंद्र बिश्नोई जी, रश्मि जी, ज्योति जी, संदीप सिंह, मीनाक्षी, याग्निक सोलंकी, जितेंद्र जी, शोभना, नीरज जी, सपना जी, कृष्ण कुमार जी, रीना शर्मा जी, कमलेश विश्वास जी, वंदना पाठक जी, सायराम पुट्टूर जी, रविराज जी, योगेश दत्त शर्मा जी, राजेश सक्सेना जी, इनसे नित्य प्रतिदिन बात होती रहती है। बड़े जिज्ञासु प्रगत के ये डॉक्टर हैं और अच्छी प्रैक्टिस भी इनकी बढ़िया चलती है। निधि गुप्ता जी, नीरजा वशिष्ठ जी, सुनीता राणा जी, ये सब बड़े लगनपूर्वक कार्यक्रम को देख रहे हैं, इनको सबको हार्दिक धन्यवाद। अब आइए उन्माद के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उन्माद को साइकोसिस कह सकते हैं और उन्माद के अंतर्गत अधिकांश मानस रोग जो आधुनिक चिकित्सा में वर्णित हैं उनका अंतर्भाव उन्माद के अंतर्गत हो सकता है, हो जाता है। जितने भी सिजोफ्रेनिया हैं, डिप्रेशंस हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। शरीर के जो मानसिक भाव हैं, जैसे मन, बुद्धि, संज्ञा ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार, इन मानसिक भावों की विकृति के फलस्वरूप उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। मध्यंत उद्गता दोषाः यस्माद् उन्मार्गम आश्रिताः, जब वायु ऊर्ध्वगत हो जाती है और संज्ञावाही स्रोतस या मनोवाही स्रोतस में अधिष्ठान करती है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। मध्यंत उद्गता दोषाः यस्माद् उन्मार्गम आश्रिताः मनसो अयम तो व्याधि उन्माद इति कीर्तिताः। आइए निदानों पर दृष्टिपात करें, तो ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है कि जो पहले से मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। इसके साथ ही वृद्ध, दुष्ट और अपवित्र का भोजन लगातार करते रहें, देवता, गुरु, माता पिता, ब्राह्मण का निरंतर हमेशा अपमान करते रहते हैं तथा शरीर की विषम चेष्टाओं के कारण अति भय और हर्ष से प्रभावित होकर मन पर आघात लगने से उन्माद की उत्पत्ति होती है। वृद्ध, दुष्टा, अशुचि भोजनानि, प्रदर्शनम देव गुरुदुजानाम, उन्माद हेतुर भय हर्षपूर्वो मनोविघातो विश्वास चेष्टाः। आइए संप्राप्ति देखें, तो जो ये कारण अभी उल्लेखित किए हैं उन कारणों से वातादि दोष का प्रकोप और पहले से ही अल्प सत्व वाले, अल्प दुर्बल मन वाले मनुष्य के बुद्धि निवास अर्थात हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों में व्याप्त होकर मनुष्य के चित्त को भ्रमित करते हैं और इसी को ही उन्माद बोलते हैं। तैरल्प सत्वस्य मलाह प्रदुष्टा बुद्धेर निवासम हृदय प्रदूष स्रोतांश अधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहंतास नरस चेतः, ये इसकी संप्राप्ति है। अब आइए इसके जो सामान्य लक्षण हैं वो भी देख लेते हैं। समान लक्षणों में मुख्य रूप से बुद्धि विभ्रम, बुद्धि का विभ्रम हो जाना, मन की चंचलता, इधर उधर देखना, आँखों का स्थिर न रहना, धैर्य का अभाव और असंबंध प्रलाप, जो प्रकरण सामने नहीं है लेकिन न जाने
कौन कौन सी बातें वो प्रलाप करने लगते हैं। ऐसा पेशेंट हृदय में शून्यता, सुख दुख का ज्ञान उसको नहीं रहता है, आत्मज्ञान का अभाव, यह मुख्य लक्षण उन्माद में होते हैं। धी विभ्रमा सत्वपरिपुलस्य पर्याकुला दृष्टि धीरता चा अबद्धवाक्तम हृदयम ज शून्यम समानम उन्माद गदस्य लिंगम, ये सामान्य लक्षण हैं। भेदों में देखें तो चरक ने 5 प्रकार के उन्मादों का उल्लेख किया है और सुश्रुत ने 6 प्रकार का। चरक के अनुसार से वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, विषज और मानसिक कारणों के वजह से जो उन्माद होता है, ऐसा 6 प्रकार का उल्लेख किया है। चरकी में जो आगंतुज उन्माद है उसी के अंतर्गत ये विषजन उन्माद और मानसिक जन उन्माद का अंतर्भाव कर लिया जाता है। जो वातिक उन्माद का पेशेंट होता है वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नृत्य करता है, कभी गाता है, अपने में ही मग्न रहता है, किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। इसको हम एक्यूट साइजोफ्रेनिया कह सकते हैं, एक्यूट साइजोफ्रेनिया कह सकते हैं। पैतृक उन्माद वाला हमेशा रुष्ट रहता है, गुस्सा करता है, आंखें लाल होती हैं, कभी कभी मारने पीटने भी लग जाता है, ऐसे उद्वेगजनक कार्य वो करने लगता है और इसकी तुलना हम मेनिया से कर सकते हैं। मैं पहले कह देता हूँ एग्जैक्टली किसी की आप इसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन लक्षण उसके मिलते जुलते हैं। तो मेनिया से लक्षण पैतृक उन्माद के मिलते हैं। कफज उन्माद का रोगी मंद गति वाला होगा, गौरवता उसमें होगी, लालसराव होगा, अपने आप में मगन रहेगा, पूजा पाठ ही होगा ज़्यादा, और इसकी तुलना हम लोग जो कफज की तुलना है वो साइकोटिक डिप्रेशन से कर सकते हैं। और जो त्रिदोषज होता है वो असाध्य होता है और इसको एक्यूट फेज वाला सिजोफ्रेनिया ही कहते हैं। तो इस तरह और फिर आगे आगंतुज, आगंतुज जो है वो देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, रक्षा, पिता, इनका प्रभाव यदि आपके शरीर में आ जाता है तो इस प्रकार के लक्षण, जैसे पिता अगर पितृ दूषित है तो पिता के जैसे लक्षण प्राप्त होंगे। देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, रक्षा, पितृणाम अभिदर्शनानी आगंतु हेतु तो निम्न वर्तायते मिथ्याकृतम कर्मचा पूर्वदेहे। जब अनुचित रूप से आप नियम, व्रत, पूजा आप ढंग से नहीं करते हैं और पूर्व कृत पाप भी आपके अंदर हैं और देवता, ऋषि आदि का अपमान करते हैं, इसकी वजह से आगंतुज उन्माद की उत्पत्ति हो सकती है। इनके सामान्य लक्षण, समान लक्षणों में समान व्यक्तियों के समान उसका वचन, पराक्रम, शांति, चेष्टा एकदम विपरीत होता है। जो वो नहीं कर सकता, जो वो नहीं है वैसा प्रलाप करता है। जैसे उसको ज्ञान नहीं है संस्कृत का, लेकिन वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगता है, ज्ञान विज्ञान की बातें करने लगता है, जबकि वो अनपढ़ है। ऐसा जो व्यक्ति है निश्चित रूप से भूतोत्थ उन्माद से ग्रसित है, आगंतुज उन्माद से ग्रसित है, ऐसा समझना चाहिए। आमर्थ वाग विक्रम वीर चेष्टो ज्ञानाद विज्ञान बलाद भिर्या उन्माद कालो अन्य तस्वीर भूतोत्थ उन्माद उदाहरितम, ये आगंतुज उन्माद के सामान्य लक्षण हैं। अब आइए साध्यता साधा के बारे में देखें। तो वातज, पित्तज और कफज उन्माद साध्य है और मानस रोग से जन उन्माद कृच्छ साध्य है, लेकिन त्रिदोषज उन्माद वो पूरी तरीके से असाध्य है। और ऐसा व्यक्ति जो क्षीण हो गया हो, मांस और रक्त का क्षय हो गया हो, वैसा भी रोगी असाध्य है। ऐसा व्यक्ति जो सिर ऊपर उठाए रहे या सिर को नीचा कर ले, हमेशा रखा रहे, इसी प्रकार वह भी असाध्य की श्रेणी में आता है। और जिसको बिल्कुल निद्रा ना आती हो वह भी उन्माद का रोगी असाध्य माना जाता है। अब आइए चिकित्सा के बारे में समझे। तो वातज उन्माद में स्नेहपान, वातज क्या, मैं तो सभी में स्नेहपान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वायु का अनुबंध है तो आपको वस्ती देना पड़ेगा, पित्त का अनुबंध है तो विरेचन कराना पड़ेगा, कफ का अनुबंध है तो भमन कराना पड़ेगा। तो पहले आप उन्माद में स्नेहपान कराएं, और स्नेहपान भी कल्याण घृत से या ब्राह्मी घृत से कराना चाहिए। स्नेहपान, फिर मृदु शोधन करना है, वमन या विरेचन, मतलब यदि कफ का अनुबंध ज़्यादा है तो वमन और पित्त का अनुबंध ज़्यादा है तो विरेचन करना है।
उन्मादे वादजे पूर्वम स्नेह पानम विशेषवत कुर्यात आवृत मार्गेह स स्नेह मृदु शोधनम कप पित्तोद भवेदप्यादु बमनम सा विरेचनम स्निग्ध सुन्न से कर्तव्यम शुद्धे संसर्जन क्रमः। तो कफा यदि है तो निश्चय है वह आपको बमन कराना है और पित्त है तो विरेचन कराना है। तो अब आप आइए वमन कराने की पद्धति मैं हमेशा आपको बताता हूँ, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले दीपन पाचन करिए, निरामावस्था प्राप्त करिए, उसके लिए पंचकोल चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार दीजिए भोजन के पहले 3 दिन से 5 दिन तक। जब निरामावस्था प्राप्त हो जाए तो अभ्यंतर स्नेहपान आपको कराना है। अभ्यंतर स्नेहपान कल्याण घृत या ब्राह्मी घृत से कराएं। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद 1 दिन वाह्य अभ्यंग चंदन बरालाक्ष आदि से कराएं। अभ्यंग कराने के बाद फिर सर्वांग वासवेद कराएं। सर्वांग वासवेद के बाद फिर वमन कराएं। मान लीजिए 5 दिन आपने स्नेहन कराया तो 6वें दिन आप स्वेदन कराइए और 7वें दिन आप वमन कराइए। वमन कल्प के रूप में वचा लेना चाहिए। वचा 30 ग्राम लेकर के यवकुट कर लें, इसका काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 10 ग्राम मदन फल पिपली मिला करके रात्रि भर रखते हैं। इसमें थोड़ा कम मात्रा में इनमें मिलाइए, सामान्यतः 15 ग्राम मदन फल पिपली मिलाते हैं, लेकिन चूंकि इसमें मृदु शोधन करना है इसलिए 10 ग्राम मदन फल पिपली यवकुट करके इस काढ़े में भिगो के रख दिया और जिस दिन वमन कराना है छान करके मसल के छान लीजिए, फिर शहद और सेंधों मिला करके वमन आप करा सकते हैं। वमन कराने के बाद आप संसर्जन क्रम और वमन के 15वें दिन विरेचन कराना है। तो 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान, 9वें, 10वें, 11वें दिन कल्याण घृत या ब्राह्मी घृत से कराएं और फिर 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड होता है, वाय अभ्यंग और वाय स्वेदन कराएं और ऐसा आहार विहार दें जो कफ पित्तवर्धक न हो और 15वें दिन विरेचन कराएं। विरेचन के लिए कल्प है अमलतास, निशोथ और मुनक्का। अमलतास 20 ग्राम, 20 ग्राम निशोथ और मुनक्का 20 ग्राम, इनका 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें 30-40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन के लिए प्रदान करें। इससे आपको लगभग 10 से 15 बार मोशन होगा, बहुत तीक्ष्ण प्रकार का विरेचन इसमें नहीं होगा। फिर संसर्जन कम कराएं, फिर विरेचन के 9वें दिन से आप वस्ती प्रारंभ करें। वस्ती में अनुवासन के रूप में आप ब्राह्मी घृत का, कल्याण घृत का, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। 30 ml थोड़ा सा सेंधों में लाजिए करीब 1 ग्राम, भोजन के बाद आप ये अनुवासन वस्ते हैं। निरूह के रूप में जटामांसी, शंख पुष्पी, वचा, अपामार्ग 50-50 ग्राम लेकर काढ़ा बना लीजिए। जटामांसी, शंख पुष्पी, वचा और अपामार्ग 50-50 ग्राम लेकर कम से कम 400 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें कल्याण घृत 50 ml, शहद 50 ml, सैंधव 10 ग्राम मिला करके विधिवत ये वस्ती दीजिए। विधिवत का मतलब कालवस्ती, कर्मवस्ती, योगवस्ती के आधार पे मैं सजेस्ट करूँगा कालवस्ती जरूर दीजिए। 16 वस्तियों का कोर्स दीजिए, पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 6-6, 6-12, 1-13 और लास्ट में 3 अनुवासन। तो इस तरीके से क्रम करते हुए कालवस्ती क्रम करें। इसके बाद निरूह देने के बाद शुरू विरेचन कराया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क जन्य व्याधि है ये, इसलिए शुरू विरेचन कराना इसमें आवश्यक है। और एक विशेष योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। रोजाना आप एक बार 21 दिन तक इसका प्रयोग करें उन्माद के रोगी में। इसमें सुंठी, मरीच, पीपर, हरिद्रा, दारू हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों और शीश, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुंठी, मरीच, पीपर, हरिद्रा, दारू हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों और शीश, इनको बराबर बराबर मात्रा में ले करके बारीक चूर्ण कर लीजिए। अब मान लीजिए कल देना है औपीड़न रस, तो 1 दिन पहले 2 चम्मच निकाल करके और बकरे का या बकरी का मूत्र में मिला करके चटनी जैसा बना के 1 दिन पहले रख लीजिए और जिस दिन आपको नस कराना हो उसको मसल के छान लीजिए या 2 घंटे
भिंगो कर भी रखा जा सकता है। मान लीजिए आपने 8 बजे सुबह ये औषधियाँ बकरे की मूत्र में रखी हैं, तो 2 घंटा रखा रहने दीजिए, 2 घंटे के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद प्रत्येक नाशा में देना चाहिए। लेकिन नस्य के जो पूर्व कर्म हैं, ग्रीवा के ऊपर भागों में अभ्यंग और नाड़ी स्वेद से हल्का स्वेद ये जरूर करें, उसके बाद आप सिरोवृषण नस्य देवें। मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ कि लगातार ये शोधन टाइप का नस्य है, सिरोवृषण माने शोधन, तो शोधन के पहले स्नेह नस्य 2 दिन करना चाहिए ताकि रोगी को कोई कष्ट न हो। बचा तेल 4-4 बूंद दिन में एक बार, बल्कि इसको 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उत्पीड़न सिर्फ 1 बार ही करना है। इन्हीं औषधियों का धमापन भी कर सकते हैं, पानी बकरे के मूत्र में न डालिए, 3 मुचुटी प्रमाण लेकर के 6 अंगुल लंबी नली में रख करके और नाक के पास ले जा करके धमापन नस्य आप करा सकते हैं। धमापन में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। अब उद्योग जनित जो कार्य हैं वो भी रोगी में करना, डराने वाले कार्य, क्योंकि मन जो है चंचल होता है, मन एकाग्र उसका रहता नहीं है, इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए भय दिखाना, ताड़ना देना, रस्सी से बांधना, आश्चर्यजनक बातें सुनाना, पुलिस आदि का भय दिखाना, इस प्रकार क्रिया करने से कभी कभी मन जो है स्थिर हो जाता है और रोगी ठीक हो सकता है। इसके अलावा संज्ञा प्रबोधन के लिए प्रदेह, उबटन, अभ्यंग, धूम्रपान और घृतपान। घृतपान का बड़ा महत्व है, जितना पुराना घृत हो उतना ये श्रेष्ठ होता है। पुराने घृत का 10 ml दोनों टाइम उष्ण जल के साथ, अन्नपान के साथ इसका सेवन कराएं। अब चूंकि आगंतुक उन्माद भी कभी कभी हो सकता है, तो उनमें पाठ पूजा करानी पड़ेगी। उसके लिए आगंतुक यदि है तो बलभी मंगलई है, होमई है, औषध गद धारणी है, सत्याचार्य तपोगान प्रदान निमा वृतई है, देवगो ब्राह्मण आचार्य गुरुवर्धार्चने रतम आगंतुक प्रशोम्या सिद्धई मंत्रोषधा। मंत्र से अगत द्रव्यों का सेवन और धारण, जैसे अगत द्रव्य है सरसप, वचा और हींग, इसका भी सेवन बराबर मात्रा में 1-1 चम्मच कराएं तो आगंतुक उन्माद आप जीत सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, होम है, यज्ञ है, ब्राह्मणों की पूजा है, देवों की पूजा है, ये सब आपको कराना है यदि आगंतुक उन्माद ग्रसित है पेशेंट। अब आइए कुछ औषधियों के बारे में चर्चा करें। तो मेध रसायन मेरा पसंदीदा काढ़ा है, मेध रसायन क्वाथ, शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, किलोय और मुलैठी। शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, किलोय और मुलैठी, इनको बराबर मात्रा में यौकुट कर लें, इसका काढ़ा भी ले सकते हैं, इसकी घनवट्टी बना लें, चूर्ण भी इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है, इसको लगातार प्रयोग कराएं। इसके अलावा शिरोधारा और पिचुधारण, ये हमें पिचुधारण ज़्यादा उपयोगी है। आप ब्रह्मांड में स्पंज को गोलाकार काट के और अश्वगंधा बला तैल या चंदनारी तैल में डुबो करके और ऊपर ब्रह्मांड में रखें और ऊपर से एरन पत्र बांध करके कपड़े से बांध दें, बैंडेज से बांध दें और ऊपर थोड़ा छेद कर दें, बार बार 2-2 घंटे में तेल उसमें प्रक्षेपित करते रहें, इससे उन्माद के रोगी में बड़ा आराम होता है। शिरोधारा तो ठीक है 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे कराएंगे, लेकिन पिचुधारण आप जो है 24 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक इसका धारण कर सकते हैं, तो ये आपको कराना चाहिए। इसके अलावा एक काढ़ा है और जो मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, उसमें जटामानसी, खुरासानी, अजवाइन और अश्वगंधा। जटामानसी, खुरासानी, अजवाइन और अश्वगंधा, इनको 100-100 ग्राम लेकर के योगकुट करके रख लें और 4 चम्मच अर्थात 20 ग्राम ये दवा लेकर के 4 कप पानी मिलाएं और 1 कप बचे तब तक इसको पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम खाली पेट में सेवन कराना है, ये बहुत ही उपयोगी काढ़ा है। इसके अलावा सर्पगंधा बटी, ब्राह्मी बटी, इनका भी प्रयोग कभी, सर्पगंधा तो देनी पड़ती है, इससे नींद बढ़ जाती है और नींद यदि उन्माद के रोगों को आने लगे तो समझ लीजिए आधा तो ठीक ही हो गया। इसके अलावा सारस्वत चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, आसुअरिष्ट में सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और चंदनासों का सेवन हम पेशेंट में करा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म रसायन
लसुनादि घृत और सिद्धार्थक अगध इनका धारण करें। जैसे मैंने आज बताया था सिद्धार्थक अगध सरसप वचा और हींग इनकी बराबर मात्रा में लेकर के और एक से आधा चम्मच इसका सेवन कराएं। रस औषधियों में उन्माद गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, वात कुलान तक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन्माद गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, वात कुलान तक 60 मिलीग्राम और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में कम से कम तीन मात्राएं ब्राह्मी रसायन के साथ इसका सेवन कराएं। एक दूसरा योग है जो हम उपयोग करते हैं, उन्माद गजांकुश रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 125 मिलीग्राम और स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उन्माद गज केसरी रस 125, मुक्ता पिष्टी 125 मिलीग्राम और स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम। इसको मिला करके दिन में दो या तीन बार ब्राह्मी रसायन से इसका सेवन कराएं और साथ ही साथ प्राणायाम मेडिटेशन इसका भी प्रयोग करें। और जिस आप भगवान में विश्वास रखते हैं कम से कम आधा एक घंटा जरूर बैठें पूजा गृह में, इससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है। साथ में हमारी दिनचर्या जो होनी चाहिए बड़ी सात्विक होनी चाहिए, खान पान में ध्यान देना चाहिए, विरुद्धाहार सेवन गर्म चीज़ें मांस मदरा इनका त्याग रोगी को करना चाहिए। जितना वो आध्यात्म पर जाएंगे उतना ही उनको अच्छा लगेगा। तो यहीं मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप सब बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार।